शौचालय निर्माण के लिए आई राशि का हुआ बंदरबार। यह मामला बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत पंचायत करांजी गांव नंगड़ी स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण योजना मुखिया साजर तिर्की द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य किया गया था। नगरी गांव के रहने वालों को इस योजना का लाभ तो नहीं मिला। कई ग्रामीण हैं जिनके खाते में 12,000 रुपये की राशि तो निकाल ली गई, अब एक और जहां इनके खाते से जबरन राशि को कहकर यह निकाल लिया गया कि शौचालय निर्माण कराई जाएगी। पर अब ग्रामीण यह आरोप लगा रहे हैं कि योजना की राशि तो मिली पर उस राशि का बंदरबांट स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा कर लिया गया है। क्या नाम हुआ दीदी? बिरसुरैन। अच्छा, ये कौन सा गांव है? नगरी टोली। नगरी टोली। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बाथरूम आपका आधा अधूरा है उसमें? बाथरूम आधा है तो हमको बाथरूम पूरा कम्प्लीट चाहिए बढ़िया से। हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ से तनक जंगल जाब कभी धो न जाब। लेटरिन तो हमको तो दिक्कत है बाथरूम का, पूरा बाथरूम हसल है। तो आपको तो बाथरूम बना के दिया है? बाथरूम बना के दिया, पूरा अधूरा है, कुछ ना के बढ़िया। अच्छा, तो आप इसको कितना दिन तक यूज, कब बना के दिया है आपको? बोला कोई 3-4 साल हो गया। कोई 3-4 साल? हाँ हो गया। वैध बेगारी बना दे सीमेंट तन तन दे के वैध। ये दिखाइए, ये 12,000 रुपया खर्च हुआ है। ये दरवाजा पहले से ही ऐसा है ना, बना हुआ था उसी समय से ऐसा है, मतलब यूज ही नहीं ना है। बाद से टूटल है, से कोई यूज नहीं है। जब बना के कंप्लीट करके दिया होगा आपको पहले? नहीं, नहीं, नहीं। पूरा ही उसी समय से आधा कुछ नहीं, यहां गड्ढा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ कम्प्लेन नहीं किया है? वो तो बना देव कल गिट्टियों लाइन कराई करी, बलुआ लाइन कराई, सब कुछ बनावे नहीं कर लगता, हम क्या कर। मुखिया जी तो बोल रहे हैं कि हमारा पंचायत में सारा जो है शौचालय जो है कंप्लीट है। कुछ ना के झूठ बोले। अच्छा, कौन मुखिया है आपका? साजर। साजर तिर्की। साजर तिर्की। अच्छा, उनका कहना है कि पूरा जो है मेरे पंचायत में शौचालय बन गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अरे एक दिन आलो बालक कालक हमारे तरफ से बना देव कालक, आज तक बनाते है, हम बाथरूम लेटरिन करते है। अच्छा, अभी कहाँ जाते हैं? कभी जंगल जाते हैं, कभी दोन जाते हैं, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सुनने में आता है कि यहाँ हाथी भी आता है। हाँ तो आता है, जिन हाथी का घर है जंगल में तो नहीं आएगा, था हाथी तावे करेगा। अच्छा, तो रात में तो डर लगता होगा। हाँ, तो डर लगता है। क्या नाम आपका? सुनीता। सुनीता मेज। क्या आपको शौचालय कहाँ पे बनाने के लिए बोला था? कहाँ पे बनाए थे आप शौचालय? यहाँ पे बनाए थे। तो फिर कहाँ बनाया आपका? यहाँ पे नहीं बना। क्यों नहीं बना? पता नहीं कैसे नहीं बना था। तो बनाने का आया तो लोग क्या बोला? नहीं जानेंगे, बोला खोदने के लिए खोद के छोड़ दिए, फिर आए बनाने के लिए। अच्छा, पहले बोला कि खोदे, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे गड्ढा खोद दिए थे। हाँ, और खोदे और बनाएंगे बोल के, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। कहीं दूसरे जगह बना है क्या? नहीं कहीं नहीं, यही खोद के छोड़ दिए। घर कौन सा है आपका? यही वाला। यही घर है आपका? अच्छा, यही घर है ना। तो आपका यहाँ पे शौचालय नहीं बना हुआ है, तो फिर अभी कहाँ जाते हो आप लोग? बाहर। बाहर जाते हैं। अच्छा, आपका बच्चा कितने हैं? तीन। तीनों सारे बच्चा लोग सबके बाहर जाते हैं, रात में दिक्कत नहीं होता है? लेते हैं, इधर निकालते हैं। निकालते हैं, दिक्कत होता है कि नहीं? होता है, तो क्या करेंगे, है ये नहीं है, ये नहीं है। अपना अपना बाथरूम में अपना जाते हैं। तो आप इसको शिकायत नहीं किए जो बनाने के लिए आए हुए थे? जो बोले थे कि कुड़वाए, फिर कहाँ नहीं बनवा रहे हैं बोल के बोले, तो बोला आएगा आएगा बोल के बोले, इधर बाकी है बोल के बोलबे नहीं किए, करबे नहीं किए। अच्छा, इतना गड्ढा खोद दिए थे, अभी गंदा। अच्छा, मतलब पूरा एक कमर तक गड्ढा खोद दिए थे? हाँ, खोद के छोड़ दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय निर्माण होगा बोल करके गड्ढा खुदाया गया था, और गड्ढा खुदाने के बाद में जो ये गड्ढा जो है मिट्टी से अभी ढका ढक गया, ये शौचालय निर्माण नहीं हुआ ना। आपका ये नाम क्या है? सुनीता। क्या करते हैं हस्बैंड? कुछ नहीं है। आप नहीं है? बच्चे और हम भी कर। अच्छा, पेंशन पैसा मिलता है? नहीं, पेंशन पैसा भी नहीं मिलता भी है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, कोई भी नहीं बनाए दिए हैं, भरवा भरवा के थक गए। अच्छा, सरकारी लाभ कुछ मिला है? कुछ नहीं है, घर के वाले है। अच्छा, आपका नाम क्या है बताएं? सुनीता मिंज। सुनीता मिंज। और पति का नाम? पास्कल। पास्कल उराव। तिर्की है? नहीं, तिर्की मिंज। मिंज पास्कल मिंज है पति, स्वर्गीय ना। अच्छा, और कितना, दो बेटा कितना है बेटी? दो गो बेटा एक बेटी। दो बेटा एक बेटी। अच्छा, तो आप अभी जंगल से आ रही हो? हाँ, जंगल गए थे लकड़ी ढूंढने के लिए। हाँ। अच्छा, आपको सिलेंडर नहीं मिला है? गैस सिलेंडर नहीं। वो भी नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, राशन कार्ड है? वो है। राशन कार्ड है? हाँ।
ये जो है सुनीता मिंज का घर है। ये आवास मिला था आपको? ये आपका आवास मिला है ना? अच्छा, उससे बनवाया है। अच्छा, और पेंशन पैसा अभी तक नहीं मिला? क्या नाम हुआ दिया आपका? लक्ष्मी लग रही। लक्ष्मी, अच्छा, ये आपका क्या समस्या है ये बाथरूम का? आधा उधरा बना है, पूरा गिरा है, फिर ढक्कन भी पूरा नहीं कर रहा है। तो ये आधा अधूरा बना हुआ है कि वो कैसे टूटा है ये सब सारा चीज? ये सब पानी आ गया, टूट गया पूरा। पानी आ गया, टूट गया, कमजोरी बना दिया। तो इसका देख रेख आप नहीं किए थे? किए थे। हाँ, तो कैसे टूट गया ये? मुखिया तो आपको सारा सामान बना करके दिया था ना, आपको बाथरूम बना कर दिया? बना के चल गया, अधूरा बना के चल गया। अच्छा, और क्या क्या बोला कि आगे बना देंगे? क्या बोल रहा था? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं, तो आपको दिक्कत होता है? हाँ। अभी यूज होता है ये? नहीं, इसे यूज नहीं करते हैं। नहीं। आपका? सुक्यूराइन। अच्छा, क्या समस्या है आपका ये बाथरूम में? बाथरूम में क्या देख ही तो करते हैं, और क्या करेंगे? अधूरा का बना के रखे हैं। अधूरा बनाया है, ढक्कन ऊपर कुछ है ये नहीं। ये सोखता गड्ढा सब है ना, इसमें आधा अधूरा ढक्कन दिया हुआ है, बना ही नहीं है। नहीं। एक ही तो गड्ढा खुदाया था, ढक्कन ही नहीं बनाया। नहीं। अच्छा, तो इसका कौन बना रहा था? वो बड़ा बेटा बनाया था, उसका नाम में आए थे। बड़ा बेटा के नाम में आया था? हम लोग बनाया, अलग अलग तो अभी आए। अच्छा, नहीं यहाँ पे बनाने के लिए आए थे तो वो मुखिया के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया? मुखिया के द्वारा बनाया गया था ना बाथरूम। अच्छा, करते हैं आप लोग इसका इस्तेमाल? नहीं करते हैं? करते हैं, बड़का बेटा। हम लोग नहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं? अच्छा, आप लोग सारे महिलाएं बाहर जाते हैं? घर की आपके जितनी बहू लोग हैं सबके बाहर? बाहर जाते हैं, बड़ा बेटा करते हैं, बाकी बद नहीं। अच्छा, सबके बाहर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आधा अधूरा है, फिनिशिंग नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो फिर बहू कैसे बैठेगी? तो अभी भी आप लोग खेत में ही बाहर ही जाते हैं? जाते हैं हम लोग। अच्छा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।